हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकिता मुखा और द एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। HTML 5 को सीखने के सीरीज का आज ये हमारा लेक्चर नंबर 23 या पार्ट 23 है, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं डीप टैग के बारे में। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि डीप टैग होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड, बेसिकली आप डीप टैग को एक सेक्शन डिफाइन करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं इन HTML डॉक्यूमेंट, या आप इसको एक ब्लॉक क्रिएट करने के लिए भी बोल सकते हैं कि हम HTML के डॉक्यूमेंट में एक ब्लॉक क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं डिव का, या एक सेक्शन क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं डिव का, ताकि हम जैस जितने भी एलिमेंट इस डिव के अंदर रखना चाहें, उस सेक्शन के अंदर रखना चाहें, वो रख सकें, जिससे कि हमारा स्टाइल और फॉर्मेटिंग हम एक साथ उन सभी एलिमेंट पर कर सकें, जल्दी काम कर सकें और हमारी एक वेबसाइट वेब पेज एक अट्रैक्टिव फील आए। तो लाइव वेब्स का प्रैक्टिकल करते हैं और करके देखते हैं कि ये होता क्या है बेसिकली। तो चलिए चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। तो बेसिकली है क्या यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर एक डिव क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले आप डिव को ओपन करेंगे DIV डिव टैग की हेल्प से, उसके बाद यहाँ पर हम डिव को क्लोज कर लेंगे, ठीक है। अब इस डिव को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर स्टाइल, जो हमारा ये स्टाइल टैग है, स्टाइल टैग में हमें कुछ चेंज करना होगा। या तो मैं यहाँ पर एज अ डायरेक्ट डिव को यहाँ पे ऐसे कॉल करा सकता हूँ और उसमें चेंज करा सकता हूँ, बट एज अ प्रोफेशनल हम क्लास और आईडी का यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था अपने पिछले लेक्चर में। तो हम इस डिव को एक क्लास दे देंगे या आईडी दे देंगे, यहाँ पर देंगे हम तो क्लास इक्वल कुछ भी नाम दे सकते हैं, माई डिव, ठीक है। अब यहाँ पर स्टाइल टैग में आके डॉट माई डिव और करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, इस तरीके से। अब हुआ क्या, ये जो मैंने डिव टैग का यूज़ किया और मैंने इसको यहाँ पर एक क्लास दिया, क्लास मतलब है किसका नाम दिया, पार्टिकुलर नेम दिया इसको, ताकि मैं इस पर कुछ स्टाइल अप्लाई कर सकूँ, लाइक इस डिव की हाइट में तय कर सकूँ, विड्थ में तय कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर जो CSS की प्रॉपर्टी होती है हाइट और विड्थ का यूज़ करना होगा। हाइट मैं कितना देना चाहता हूँ, हाइट मैं करना चाहता हूँ 100 पिक्सल, और इसकी जो चौड़ाई है विड्थ मैं देना चाहता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है। अगर मैं सेव करके इसको यहाँ पे रन करता हूँ वेब पेज पे, तो यहाँ पे वेब पेज पे कुछ ये शो नहीं करेगा। तो ये अगर क्रिएट हो चुका है, देखने के लिए यहाँ पर मैं बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, बॉर्डर दूंगा मैं 2 पिक्सल का सॉलिड येल्लो, ठीक है। सेव करता हूँ, वापस आता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 100 हाइट और 200 पिक्सल की विड्थ वाला मैंने यहाँ पर एक डिव यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब इस डिव में इसको फ्रेंड्स एक स्टोर, इसको आप एक कंटेनर भी बोल सकते हो, उसको आप एक बॉक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं कुछ भी एलिमेंट यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि H1 या फिर मैं H4 यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने H4 यूज़ किया, मैंने यहाँ पर नाम दिया दी एजुकेशन अकेडमी, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया है फोन टैग को यूज़ किया मैंने, और फोन टैग मैंने लिखा वी आर लर्निंग डिव टैग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं पैराग्राफ टैग भी यूज़ कर सकता हूँ, कीप लर्निंग कुछ इस तरीके से। सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, और अभी देखिए ये हमारी जो डिव है वो थोड़ी छोटा हो गया है, तो विड्थ को थोड़ा लंबा करना पड़ेगा मुझे डिव को। तो मैं इस डिव की जो हाइट है वो थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 150 पिक्सल कर देता हूँ, इस तरीके से। ये देखिए, तो ये डिव हमारे यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो बेसिकली डिव को आप ये बोल सकते हो कि HTML डॉक्यूमेंट में एक सेक्शन क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, या एक ब्लॉक इस क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम अपने HTML के कुछ भी एलिमेंट रख सकते हैं और उन पर एक साथ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो हमारे वेबसाइट को अट्रैक्टिव फील हमें प्रोवाइड कराता है। इसको आप एक कंटेनर बोल सकते हो, बॉक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इन सभी को मैं रेड कलर में शो कराऊँ, तो मैं क्या करूँगा, आप देखिए। अब मैंने यहाँ पर इस पूरी डिव को यहाँ पर एक क्लास दी हुई है माई डिव के नाम से। अब मैं जितना भी चेंज यहाँ पर, जितना भी फॉर्मेटिंग यहाँ पर मैं करूँगा, जितनी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करूँगा CSS की, वो सारी इस डिव कंटेनर के अंदर जो भी एलिमेंट है उन सब पर अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कलर प्रॉपर्टी को, मैं चाहता हूँ कलर हो जाए येल्लो नहीं, कलर हो जाए रेड, ठीक है। ये देखिए हर एक एलिमेंट जो मेरे इस डिव में था, इस सेक्शन में था, इस ब्लॉक में था, या इस कंटेनर में था, या इस बॉक्स में था, उस सभी एलिमेंट पर मैंने एक साथ फॉर्मेटिंग कर ली, ठीक है।
रेड, या मैं देना चाहता हूँ इसको, अब मैं इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो चेंज करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ मैं चिलर, सेव किया वापस, ये देखिए। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर दूँ, तो मैंने फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी यूज़ की और मैंने यहाँ पर रख दिया 25 पिक्सल, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर 20 पिक्सल यूज़ कर लेता हूँ ताकि डिव से बाहर ना जाए, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डिव है उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए या ब्लू हो जाए, तो यहाँ पर ब्लू बैकग्राउंड मैंने प्रॉपर्टी यूज़ करी, तो बैकग्राउंड ब्लू, ये देखिए, तो बैकग्राउंड हमारा ब्लू हो गया। तो इस डिव का यूज़ करके मैंने जितने भी मेरे को एलिमेंट यहाँ पे यूज़ करने, तो मैंने एलिमेंट यहाँ पे यूज़ कर लिए, और कितना एक अच्छा फील मेरे को इस वेब पेज पे आया, अभी भी दिख रहा है। अगर मैं ये काम विदाउट डिव नहीं कर सकता था, ये ब्लू कलर अगर मैं इस छोटे सेक्शन में करना चाहता, तो ये हेल्प ही करता है हमारा डिव इस तरह की फॉर्मेटिंग क्रिएट करने के लिए। ये पॉसिबल ही नहीं था विदाउट डिव, अगर मैं ऐसा इस छोटा सा सेक्शन यहाँ पर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से हम डिव टैग का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं अपनी एक वेबसाइट है जो मैं काम कर रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको रन करा के, ये देखिए द एजुकेशन अकेडमी वेबसाइट है, ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये जो डायरेक्टर डेस्क है इस पे मैंने डिव का यूज़ किया है, इसको बॉर्डर दिया हुआ है, इसको शेडो दिया हुआ है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर फॉर्मेटिंग की हुई है, ये देखिए। तो कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो डिव टैग का, मैंने हर जगह डिव यूज़ किया है, जिससे कि मेरे इस वेबसाइट में एक अच्छा फील आ रहा है, अच्छा लुक आ रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।